हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विथ आवर न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बस एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूँ कि बजीज में ना मेल को कैसे फाइंड करें। सो इफ़ यू कैन सी क्लियरली, ये जो सामने में जो ब्लू बैठा है ना, सो उसके नोज़ पे एक ब्लू मार्क है, डीप ब्लू मार्क है, देखो डार्क ब्लू मार्क है। और ये जो वाइट बैठी है इसके पे देखो नोज़ पूरा क्लीन है, ठीक है। ये जो येलो है उसके भी नोज़ देखो पूरा क्लीन है, ठीक है। सो और देखो ये भी वाइल्ड कलर है बजी का और ग्रीन कलर में है। सो इसका भी देखो अब नोज़ पूरा ब्लू है, ठीक है। तो लेकिन इसका साइज़ देखो, ये ग्रीन बजी का साइज़ देखो और ये ब्लू वाले का साइज़ देखो, यू कैन सी द डिफरेंस, ओके। सो ये डिफरेंस इसीलिए है, ये है फूड विथ स्पेस। अगर आप अच्छा फूड दोगे और उनको अच्छा इतना बड़ा केज भी दोगे टू फ्लाई, ठीक है। मैं आपको पूरा केज दिखाता हूँ, देखिए ये 4 फीट केज है और मैंने 1/2 फीट इधर से और 1/2 फीट उधर से डंडा रखा है, ठीक है। सो ये 3 फीट ये फ्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 फीट फ्लाई कर करके इतना मेच्योर हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, साइज़ अच्छा हुआ। जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, तो फ्लाइंग इज़ द वर्कआउट फॉर देम। तो देख सकते इसका साइज़ और इसका साइज, देखो मैं सामने से दिखा रहा हूँ, लुक एट हिज साइज। सो ये है फूड विदाउट स्पेस में आपका बजी ग्रो नहीं करेगा, आपको बर्ड्स को स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और आप उसको तो लेके जाओगे नहीं। तो कम से कम आप जो उसका केज बना रहे हो ना, तो वो इतना बनाए कि ये इनफ हो। तो बजीज के लिए ये इनफ है, बट आप अगर बड़ा पैरट रख रहे हो तो आपको ज़्यादा बड़ा स्पेस देना पड़ेगा। देखिए कैसे फ्लाई कर रहा है, देखो। सो ऐसे ही है। सो आपको अगर देखो इस केज में थोड़ा सा ओवर क्राउडेड हो गया, मुझे मैक्सिमम इसमें 2 पेयर रखना चाहिए था, बट इसमें 7 पीस है, एक और एक मैं मतलब मंगवाने वाला था, तो 4 पेयर हो जाते। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूंगा ये वाला, मैं सिर्फ 2 पेयर रखूंगा ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके। इस डंडे पे 2 और उस डंडे पे 2, ओवर क्राउडेड हो गया था, इसलिए मैंने बीच में भी एक स्टिक रख दिया था बैठने के लिए, ताकि उनको स्पेस प्रॉपरली मिले और वो झगड़ा ना करें। तो यही था अपडेट, मिलते हैं अगले वीडियो में नए पेट के साथ।